हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अगरबत्ती बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है और हमें किस तरह से इसको बनवाना है, क्या क्या इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इनके बेनिफिट क्या है, आज टोटल पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और इससे पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम मोबाइल नंबर ज़रूर टाइप करिए, क्योंकि दोस्तों हम हर वीडियो में से 5 लोगों को फ्री ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं। जो हमारी पेड वर्जन चलता है, महीने में 2 बार हमारा पेड वर्जन चलता है और आप चाहते हैं पेड वर्जन में को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है फ्री ट्रेनिंग के लिए, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम मोबाइल नंबर ज़रूर टाइप कर दें, हो सकता है आपका नाम सेलेक्ट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हम अगरबत्ती का काम स्टार्ट करने वाले हैं तो कौन कौन से लाइसेंस हमारे को लेना पड़ेगा। दोस्तों आज पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि आप देखिए दोस्तों, अगरबत्ती का काम अगर आप लीगल तरीके से करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के मतलब कि गवर्नमेंट को शो करना चाहते हैं, पूरी चीज़ें आप लीगल तरीके से करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पहले अलग अलग प्रकार के आपको रजिस्ट्रेशन करवाने होते थे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप चार्ट अकाउंट ई मित्र के माध्यम से बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो अगरबत्ती की जो कैटेगरी होती है वो सही तरीके से मतलब ऐड नहीं कर पाते हैं, वो कैटेगरी उसमें मतलब कि उसके जो कोड होते हैं वो सही तरीके से ऐड नहीं होते हैं तो आपको दिक्कत आती है। काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात भी हुई थी, उनका जो रजिस्ट्रेशन में ये दिक्कत आती है कि उन्होंने मतलब आसपास में जो अपने चार्ट अकाउंटेंट हैं या ई मित्र वालों से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से उन्होंने जो कैटेगरी है अगरबत्ती बिजनेस की वो उन्होंने ऐड नहीं करवाई, तो उनको आने वाले टाइम में दिक्कत आ सकती है। तो आप अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो एक ऐसे बंदों से आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाई जो इस टाइप के अगरबत्ती बिजनेस टाइप के भी रजिस्ट्रेशन करते हों। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। अगर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहते हैं तो उसमें पहले नंबर पर आता है डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड आपको ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड, ठीक है, आपको आधार कार्ड आपको ज़रूरत पड़े होना चाहिए आपको अगर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आता है कि आप जिस नाम से, जिस फर्म के नाम से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आपने जो कंपनी का नाम सोचा है उसका नाम, जो फर्म नेम है आपको वो भी ज़रूरत पड़ेगी, फर्म नेम। ठीक है, फर्म नेम की आपको आवश्यकता पड़ेगी, भाई आपने जो कंपनी का नाम, आप जिस नाम से बिल काटेंगे वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में आता है कि अपना जो घर का एड्रेस है, घर का एड्रेस है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में आप जहाँ पर प्लांट लगाना चाहते हैं, ऑफिस एड्रेस, ठीक है, आप जहाँ पर प्लांट लगाना चाहते हैं उसका एड्रेस, अगर घर पे लगाना चाहते हैं तो घर का एड्रेस चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको पता चला। उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ईमेल आईडी की, और उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, वो मोबाइल नंबर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और एक लास्ट में आपको चाहिएगी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको पता चला कि डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से लगने वाले हैं। उसके बाद में आता है इसके बेनिफिट क्या हैं, बेनिफिट की बात करते हैं, बेनिफिट क्या हैं इसके। सबसे पहले आपका जो फर्म का नाम आप सिक्योर किया है उस नाम से आप बिल काट पाएंगे,
आपको पता चला कि आप अपने नाम, आपने जो कंपनी का नाम सोचा है, अपनी फर्म का नाम सोचा है, उसके नाम से आप बिल काट पाएंगे। सबसे बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है आपकी कंपनी के नाम से, कंपनी के नाम से आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा उस उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। ठीक है, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपका कंपनी का नाम भी, जो आप कंपनी का नाम सोच रखे हैं उसके नाम से आपका बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। तो आप को बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। उसके बाद में आता है अगर लोन की आपको ज़रूरत पड़ती है भविष्य में या वर्तमान में, तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसमें भी इस चीज़ को मांगते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके आपको बेनिफिट मिलते हैं। अब बात करते हैं अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अभी काम को स्टार्ट नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, या बीच में बंद करवाना हुआ, या इसको रिन्यूअल करवाने के लिए क्या प्रोसेसिंग है। दोस्तों एक बार इसको आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। नॉर्मली जैसे कि आप चार्ट अकाउंटेंट से मनवाते हैं तो 1500 से 2000 रुपये लगभग लेते हैं वो। ठीक है, और वो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर उनके थ्रू आप मनवाना चाहते हैं तो आप कैटेगरी बिल्कुल अच्छे तरीके से, सही तरीके से आप डलवाएं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कैटेगरी मतलब कि उसी टाइप के अगरबत्ती बिजनेस की नहीं डालते हैं, तो उनमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपको यहाँ तक आपको पता चला। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चार्ट अकाउंटेंट के थ्रू भी आप बनवाना चाहते हैं, अगर हमारे चार्ट अकाउंटेंट के थ्रू आप बनवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से आप बनवा सकते हैं। नॉर्मली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये ऑल इंडिया में कहीं से भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नॉर्मली 2 से 3 दिन का इसमें प्रोसेसिंग होती है, आप इजीली आपका तैयार हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी बंदों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आप भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बाकी आपके लोकल में चार्ट अकाउंटेंट के थ्रू आप बनवाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप बनवा सकते हैं। नॉर्मली जो खर्चा है वो आपका सेम आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चला। अब उसके बाद में आता है कि आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप GST नंबर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। लेकिन मैं भी आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं और 30 लाख से अगर आपका टर्नओवर कम है तो अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के निर्देशन मतलब गवर्नमेंट के आदेश अनुसार आपका 30 लाख से अगर अभाव है तो आप GST ले सकते हैं। अगर इससे कम है तो आप अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका सालाना टर्नओवर 30 लाख से अभाव जाता है तो आपको GST लेने की ज़रूरत है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि GST हमें क्यों लेना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर हम लेते हैं तो हमारे को क्या बेनिफिट हैं, अगर नहीं लेते हैं तो हमारे को कहाँ कहाँ नुकसान होने का मतलब की संभावना रहती है, वो टोटल जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों आप सभी से मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम मोबाइल नंबर ज़रूर टाइप कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और दोस्तों आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।